Hello everyone, welcome to my channel Study Academia. Today we are going to learn about doctrines of Jainism, Jaina councils, and the difference between Digambara and Shvetambara. So let's start today's lesson. If you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon for more updates. Doctrines of Jainism The Jainan doctrine is much older than Buddhism.

तो ये जो है ये कुछ प्रिंसिपल्स है जो जैन डॉक्ट्र में है अनेकांतवाद डॉक्ट्रिन ऑफ मैनिफोल्ड नेचर ऑफ रियलिटी अनेकांतवाद जो है ये वास्तविकता के कई गुना प्रकृति का सिद्धांत है स्वादवाद जो है ये द थ्योरी ऑफ कंडीशन प्रडिक्शन ये भविष्यवाणी का जो थ्योरी है ये स्वादवादा में है नयावादा थियोरी ऑफ पार्शियल स्टैंड पॉइंट्स नयावादा में आंशिक दृष्टिकोण का जो सिद्धांत है वो नयावादा में है थ्री रत्न मीन्स थ्री जेम्स पंच महाव्रत मीन्स फाइव ग्रेट वोज एंड अहिंसा द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस तो ये जो चीज़ें हैं ये जैन डॉक्ट्रंस के प्रिंसिपल्स थे नेक्स्ट इज जैन डॉक्टरिन ऑफ अनेकांतवादा इज लिट्रली द डॉक्टरिन ऑफ नॉन वन साइडनेस और मैनिफोल्डनेस और नॉन एप्सोटलिज्म इट इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म दैट इनकरेज एक्सेप्टेंस ऑफ रिलेटिविज्म एंड प्लूरलिज्म जैन डॉक्टरिन का जो अनेकांतवाद जो ये प्रिंसिपल है इसका जो लिटरली जो मीनिंग है वो है किसी भी निरपेक्षता और एक तरफा की जो सिद्धांत है वो ना हो इट इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म दैट इंकरेज एक्सेप्टेंस ऑफ रिलेटिविज्म एंड प्लूरलिज्म ये अनेकांतवाद जो है ये बहुलवाद और प्लूरलिज्म का स्वीकृति और उसको इंकरेज करता है द डॉक्ट्रिन ऑफ सियादवाद Which means doctrine of maybe emphasizes on the relativity of all knowledge. नॉलेज तो ये स्वादवाद का जो doctrine है ये सभी प्रकार के ज्ञान को एम्फोसाइज करता है द डॉक्ट्रिन ऑफ न्यायवादा signifies द सिस्टम ऑफ डिस्क्राइबिंग रियलिटी फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये न्यायवाद का जो डॉक्ट्र है ये मेनली रियलिटी को जो वास्तव जो चीज़ है उसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए ये उत्साहित करता है नेक्स्ट इज द थ्री ज्वेल्स। ये थ्री ज्वेल्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सो लेट्स सी इसमें क्या क्या है टू अचीव लिब्रेशन ऑफ सोल जाइना मस्ट फॉलो द थ्री jewels ऑफ जाइना एथिक्स पॉपुलरली कॉल्ड थ्री रत्ना। थ्री ज्वेल्स को थ्री भी कहते हैं सोल को लिबरेट करने के लिए सोल को फ्री करने के लिए जो जैन रिलीजियन के लोग हैं उनको ये थ्री ज्वेल्स और थ्री रत्न जो है ये मस्ट फॉलो करना चाहिए तो ये थ्री ज्वेल्स क्या क्या थे राइट फेथ राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट राइट फेथ मीन्स समघ दर्शन मीन्स सींग थिंग्स प्रॉपरली एंड अवॉइडिंग प्री कंसेप्शंस एंड सुपरस्टिशंस राइट फेथ मीन्स कोई भी चीज़ हो उसको प्रॉपर तरीके से देखना होगा सुनना होगा और फील करना होगा एंड जो कोई भी चीज़ को देख के हम लोग जो प्री कंसेप्शन और प्री एजम्पन जो हम कर लेते हैं वो अवॉइड करना चाहिए एंड सुपरस्टिशंस जो है वो सब भी अवॉइड करना है ये जो है ये फर्स्ट ज्वेल है जो कि राइट फेथ कहा जाता है नेक्स्ट इज राइट नॉलेज राइट नॉलेज मीन्स समग्र ज्ञान हैविंग एन एक्यूरेट एंड सफिशियंट नॉलेज ऑफ द रियल यूनिवर्स जो रियल यूनिवर्स है मीन्स जो विश्व है उसके बारे में एक्यूरेट एंड सफिशियंट नॉलेज ऑफ और ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है राइट कंडक्ट मीन्स समग्र चरित्र लिविंग वंस लाइफ अकॉर्डिंग टू जैन अथिकर रूल्स जैन अथिकर रूल्स के हिसाब से लिव करना और सर्वाइव करना को राइट right कंडक्ट कहते हैं जाएनाथिकल रूल्स में बहुत सी चीजें हैं जो हम नेक्स्ट जो फाइव महावरत से उसमें पढ़ेंगे सो लेट्स सी द फाइव वोज इन ऑर्डर टू हेल्प अटेन थ्री रत्न वन मस्ट ऑब्जर्व पांच महाव्रत और फाइव ग्रेट वोज तो वो जो थ्री थ्री रत्न थे राइट फेथ राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट उनको अटेन उनको पाने के लिए और उनको प्राप्त करने के लिए ये पांच महाव्रत जो है इसको मस्ट फॉलो करना चाहिए तो ये फाइव वर्स क्या क्या थे नॉन वायलेंस ट्रूथ नॉन स्टीलिंग सेलिबेसी और चैसेस्टी एंड नॉन अटैचमेंट और नॉन पोजेशन तो ये पांच वर्स और पांच प्रतिज्ञा क्या क्या थे नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा नेक्स्ट इज ट्रूथ सत्य नेक्स्ट वो इज नॉन स्टीलिंग जैनिज्म के हिसाब से कोई भी चोरी नहीं करना चाहिए एंड और देलिब्रेसिस्टीर दैट इज ब्रह्मचर्य विच इज एडेड बाय महावीर महावीर ने ये फोर्थ वो जो था ये उन्होंने एड किया था एंड द लास्ट इज नॉन अटैचमेंट और नॉन पोजेशन अपरिग्रह लास्ट वो जो है इसके हिसाब से कोई भी चीज हो कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ हो उससे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कोई भी पोजीशन इन लोगों को नहीं होना चाहिए तभी ये लोग जो है वो थ्री जो तीन रत्नास है वो ये लोग वो हम हासिल कर सकते हैं इफ दिस व्रतास और वोस आर स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व देन दे आर नोन एज महाव्रतास दैट इज ग्रेट और फुल वव्स ये पांच व्रतस जो है ये अगर कोई भी कोई भी आदमी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करेगा तो उसको महाव्रतस कहा जाता है यानी कि ग्रेट और फुल वर्व्ज द सेम व्रत और वर्व विच पार्शियली ऑब्जर्वड आर टर्म डुव्रताज और स्मॉल और, और पार्शियल वर्वस कोई भी व्यक्ति अगर इस पांच व्रतस को पार्शियली ऑब्जर्व करेगा पांच में से कोई तीन चार कोई ऑब्जर्व करेगा तो उसको अनुव्रताज कहते हैं The highest form of death achieved by a person, whether a monk or a layman, involved death by meditating and fasting. Jainism ke लो, लोग jo log hai wo log fasting karke and meditate karke अपना देहांत करते हैं। तो ये जो है ये highest form of death माना जाता है। अब आते हैं Jaina Council के बारे में। First Jaina Council कब हुआ था? 310 B.C. कहाँ पे हुआ था? Pataliputra में। President कौन था? स्थूलभद्रा एंड यहाँ पे क्या हुआ था कंपाइलेशन ऑफ़ ट्वेल्व अंगस टू रिप्लेस पूर्वास ये फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल जो हुआ था ये पाटलपुत्र में हुआ था 310 बीसी में हुआ था एंड इसके टाइम पे जो प्रेसिडेंट था वो था स्थूलभद्र एंड यहाँ पे ट्वेल्व अंगस जो थे उसको कंपाइल किया गया था नेक्स्ट आता है सेकेंड जैन काउंसिल ये हुआ था 453 और 466 सिक्सटी सिक्स में कहाँ पे हुआ था बल्लभी गुजरात में जो है यहाँ पे हुआ था एंड प्रेसिडेंट कौन था प्रेसिडेंट था देरिद्धिगंज एंड प्रेसिडेंट जो थे वो थे देरिद्धिगंज इसमें क्या हुआ था तो इसमें फाइनल कंपाइलेशन ऑफ ट्वेल्व अंगास एंड ट्वेल्व उपवेदास यहाँ पे फाइनल कंपाइलेशन जो हुआ ट्वेल्व अंगास को उसको भी वो ट्वेल्व अंगास का फाइनल कंपाइलेशन हुआ एंड ट्वेल्व उप जो थे वो भी इसमें ऐड हुए थे अब हम लोग दिगंबरा एंड श्वेतंबरा के बारे में जानेंगे ये दो जो है ये जैनिज्म का दो सेक्ट है दिगंबरा एंड श्वेतंबरा दिगम्बरा लिटरे स्काई स्काईक्ड दिगंबरा स्ट्रेस द प्रैक्टिस ऑफ न्यूडिटी दिगंबरस जो थे ये लोग स्काईक्ड इसका मीनिंग है स्काई क्लैड एंड दिगम्बरा जो जो लोग दिगम्बरा में सेक्ट में गए वो लोग न्यूडिटी वो लोग नेकेड रहने लगे थे एंड श्वेतंबरा में जो थे श्वेतंबरा लिटरेरी मीन्स व्हाइट क्लैट श्वेतंबराजर्ट दैट द प्रैक्टिस ऑफ कम्प्लीट न्यूरिटी इज नॉट इसशियल टू अटेन लिबरेशन तो श्वेतंबरा के हिसाब से कम्प्लीट न्यूरिटी ये जरूरी नहीं है टू अटेन लिबरेशन मुक्त होने के लिए कम्प्लीट न्यूड हो जाना ये उन लोगों के हिसाब से इसेंशियल नहीं था ड्यूरिंग द फेमस मगध फेमाइन टू हंड्रेड ईयर्स आफ्टर आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर दे दे आर द वंस हु अंडर द लीडर शिप ऑफ भद्रबाहू माइग्रेटेड साउथ एंड लिव इन द ओल्ड ट्रेडिशनल वे मगध में जब जो फेमस फेमाइन आया था उसके टाइम पर भद्रबाहू ने साउथ की ओर माइग्रेट कर गए थे एंड ड्यूरिंग द फेमस मगध एंड फेमाइन दे आर द वस हु अंडर द लीडरशिप ऑफ सलाबाह मगधा तो मगधक फेमाइन के टाइम पे स्वेतम बरा जो थे ये लोग मगध में ही रह गए थे सलाभाहू के साथ द नाइनटीन्थ तीर्थंकर ऑफ स्वतंब बरा ट्रेडिशन इज नॉट एक्सेप्टेड एज फीमेल बाय देम ब्रादर एज अ मेल नेम्ड मलिंथा दिगम नाइनटीन्थ तीर्थंकर जो थे वो फीमेल थे पर दिगंबरा ने उनको फीमेल एज अ फीमेल उनको एक्सेप्ट नहीं किया उसको मेल कह कह के उसका नाम दिया था मलिनना था एंड प्रतम जो थे ये लोग उनको फीमेल ही कहे एंड नाइनटीन तीर्थंकर जो थे उसको वो लोग फीमेल की एज अ फीमेल उनको माने एंड उनका नाम था मल्ली जो कि ओनली फीमेल तीर्थंकर थे द दिगंबरस मेक यूज ऑफ द टर्म पुराना फॉर द दोग्राफिस दिगंबरस के जीवनी को कहते हैं एंड श्वेतंबरस के जीवनी को कहते हैं द दिगंबरस एसेटिक मस्ट रिनाउंस ऑल पोजिशन इंक्लूडिंग क्लोथ्स एंड इज अलाउड ओनली टू पोजिशंस दैट आर राजना एंड कामधालू दिगंबरस मंग्स जो थे उनको सब कुछ त्याग देना था केवल दो ही पोजीशन उन लोगों को अलाउ था जो था राजोहराना मीन्स अ स्मॉल पिकअप फेदर ब्रूम फॉर ब्रशिंग इंसेक्ट्स अवे इंसेक्ट्स को दूर भगाने के लिए एक स्मॉल पिकअप फेदर उन लोगों को उन लोगों के पास रखना अलाउ था एंड कमन धलु वुडन वाटर पॉट फॉर टॉयलेट हाइजीन टॉयलेट हाइजीन के लिए एक वुडन वाटर पॉट उन लोगों के पास रखना अलाउड था ये दो चीजें जो है ये उन लोगों को अलाउ था एंड श्वेतम्बरा के पास वेर इज द श्वेतम्बरा असेटिक इज अलाउड टू हैव फोर्टीन पोजिशन इंक्लूडिंग लैन क्लोथ शोल्डर क्लोथ एक्सेट्रा तो इन लोगों के पास फोर्टीन पोजिशन रखना अलाउड था इंक्लूडिंग सम क्लोथ दिगंबरम मंग्स टेक फूड स्टैंडिंग एंड विद द हेल्प ऑफ नॉटेड अपट पम्प एंड इन वन हाउस ओनली फेयर देअ संकल्प इज फुलफिल्ड दिगंबर मंगस जो है ये लोग अपने जो वो लोग जो फूड लेते हैं तब वो लोग स्टैंडिंग पोजिशन में लेते हैं एंड वो लोग एक ही घर से अपना खाना जो है वो खाते हैं जहाँ पे उनका संकल्प पूरा होता है वही से ही वो लोग अपना खाना स्टैंडिंग पोजिशन में खाते हैं वेर एज द श्वेतंबरा मंक्स कलेक्ट देयर फूड फ्रॉम डिफरेंट हाउसेज श्वेतम्बरा मंक्स जो है वो एक घर से दूसरे घर जाके अपना फूड को वो कलेक्ट करके खाते हैं तो ये जो बेसिक डिफरेंसेस कुछ है दिगंबर एंड श्वेतंबर के बीच ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है द नेक्स्ट थिंग इज अजिकस द अजविकस आर फॉलोअर्स ऑफ द वे ऑफ लाइफ फेयर एंड एसेटिक ऑर्डर दैट स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ बुद्धा एंड महावीर एंड लास्ट अनटिल फोर्टीन सेंचुरी अजविकस जो है ये भी एक एथेटिक ऑर्डर है जो बुद्धा एंड महावीर के टाइम से स्टार्ट हुआ था एंड फोर्टीन सेंचुरी तक ये रहा अजविकस मीन्स फॉलोअर्स ऑफ द वे ऑफ लाइफ जीवन के जीवन के पथ का जो फॉलोअर्स है इसको आज कहते हैं अजेविका वॉज फाउंडेड बाय मक्खली घोशाला ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मोस्टली एग्जाम में आते हैं हु फाउंडेड अजविकास तो अजयिकास वॉज फाउंडेड बाय मक्खली घोशाला अजयविकास वेर वेरी पॉपुलर इन मगध इन द थर्ड सेंचुरी बी सी एंड मॉरियन किंग्स डोनेटेड सेवरल केब्स इन द ऑनर ऑफ अजयिका मॉन्ट्स अजयविकस मगध के थर्ड सेंचुरी में मगध में बहुत ही पॉपुलर हो गया था एंड मौर्य किंग्स जो थे वो लोग सेवरल केब्स को अजयविकस को दान किए थे तो इसके साथ साथ हमारा ये जैनिज्म जो है ये ख़त्म होता है एंड नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मौर्य एम्पायर के बारे में होगा सो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग